साहब, सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आ चुके हम सभी के साथ इम्पोर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड, किस तरीके से आप सभी को, जैसा कि जानते हो, पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। सीबीएसई क्लास टेंथ के एग्जामिनेशन जो है कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से सीबीएसई बोर्ड 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन कल से स्टार्ट हो रहा है, सभी को ऑल द बेस्ट। जी हाँ, आप सभी के एग्जामिनेशन बहुत ही बेटर जाए, आई होप सो। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड क्लास टेंथ की एग्जामिनेशन की कल के स्टार्टिंग है। सबसे पहले इंग्लिश के एग्जामिनेशन से सभी कैंडिडेट कल एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैं डिस्कस किया है सैम्पल पेपर को, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। सैम्पल पेपर जैसे कि डिक्टो, उसी तरीके से पेपर का पैटर्न रहेगा, जिस तरीके से उसी पैटर्न बेस्ड मैंने एक पूरा पेपर उन्होंने सॉल्व कराया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक नहीं देखा। फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपका आंसर शीट, जो आप सबको आंसर शीट मिलेगी, उसको किस तरीके से फिलअप करना है। जो आपको फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज जो पेज जो फर्स्ट होता है, पेज नंबर फर्स्ट फर्स्ट पेज, तो कैसे उसको फिल करना है। जो आपको 10 मिनट्स बिफोर, जो आपको 10 to 15 मिनट्स पहले, आप जैसे कि जानते हो, आप सभी को एग्जामिनेशन में 10 AM तक आपको एंट्री मिल जाएगी। 10 AM तक, जैसे कि आप जानते हो 10:30 से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, तो 10 AM तक जब आपको कॉपी आपके पास मिल जाएगी आंसर शीट, तो उसको 10 मिनट्स में कैसे फिल करना है, 10 to 15 मिनट्स में कैसे फिल करना है आपको, चलिए डिस्कस करते हैं। आपको हम बता दें 10 to 15 मिनट्स में कैसे आंसर शीट को यहाँ पे फिल करना है। पहले पेज को, फर्स्ट पेज को कैसे आपको दिखेगा, ये सब कुछ हम आपको एंड तक देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी जानकारियाँ हो जाए। फिर आगे बढ़े उससे पहले, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इस वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं सभी फ्रेंड। देखिए, जैसे कि ये मैं आपको एक आउट प्रिंट दिखा रहा हूँ, स्पेसमैन कॉपी है। इस तरीके से आपको सीबीएसई क्लास टेंथ के जो आंसर शीट होंगे वो देखिए, देखा जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास टेंथ दिख रहे हैं फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जो भी डेटे आपको फिल करने, वो सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और किस तरीके से आपकी एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने के लिए जाएगी वो भी मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। देखिए, जो आप ये देख रहे हो, ये आपको जो फर्स्ट व्यू कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा, आपको फर्स्ट पेज आपके आंसर शीट का, तो इस पेज को कैसे फिल करना है। देखिए, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या डालना है, देखिए सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्ट नेम आपको यहाँ पर फिलअप करोगे सबसे पहले टॉप मोस्ट कॉलम पे। देखिए, ये जो आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसको फिल करने के लिए, इस शीट के दो पार्ट्स हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर सीजर का क्रॉस लगा है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपका जो ये देखिए, जो आपकी जो कॉपी है, ये आपकी राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो राइट साइड, दिस इज़ द राइट साइड और दिस इज़ द लेफ्ट साइड, आप सभी का जो कॉपी है यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रही, दिस इज़ द राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो आप सभी को ये जो साइड है, ये पेज को आपको टर्न आउट कर दिया जाएगा। जी हाँ, देख सकते हैं आपको ये सीजर बनाया, तो इसका मतलब क्या, ये टर्न कर दिया जाएगा, यानी कि जब आप एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा आपका, तो इसको जब एग्ज़ाम सेंटर के पास ये कॉपी को क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा इस साइड के पेज को। ये बस फर्स्ट पेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पेज है आपको, इस पेज को निकाल दिया जाएगा और रेस्ट ऑफ द कॉपी चली जाएगी एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए। तो देखिए, मैं दोनों शीट की तरफ बताता हूँ, इधर क्या भरना है लेफ्ट साइड वाले कॉलम में और ये राइट साइड वाले कॉलम में क्या फिलअप करना है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी कैंडिडेट कल फर्स्ट टाइम क्लास टेंथ के एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, तो सभी कैंडिडेट को इस वीडियो को शेयर कर दें माय डियर फ्रेंड्स सभी, जैसे सभी को मालूम हो जाए कि फर्स्ट पेज को कैसे फिल करना। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया आपको, लेफ्ट साइड सबसे पहले ऊपर कॉलम में क्या फिलअप करना है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कोड। ये जो सब्जेक्ट कोड है, ये आपका कोड जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या फिर आपके जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में देखिए, जो आपका जब सभी एग्जामिनेशन जो आपका लिखेगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन, उसी एग्जामिनेशन में आपको जो सब्जेक्ट होंगे, जो आपके क्लास टेंथ के जो आपने सब्जेक्ट दे रखे होंगे, उसी के जस्ट साइड में आप सभी को कोड भी दिया होगा, या फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा उस पर भी आपको सब्जेक्ट कोड लिखा होगा। तो सब्जेक्ट कोड लिखना है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। जैसे कि कल आप जानते हो, कल आपका मंडे है, तो मंडे और फिर उसके बाद मंडे एंड डे के बाद देखिए एंड लिखना होगा, फिर डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट आपकी कल की क्या है, जो कल आप एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हो, कल है आपका 27 February 2023, तो आप इस तरीके से पूरा वहाँ पे मेंशन करोगे कि माय डियर फ्रेंड डेट में आपका
देन फिर उसके बाद आप सभी को देखिए मीडियम ऑफ आंसर्स, आप आंसर किस में लिखोगे, ऑब्वियसली क्योंकि आपका पेपर या आपका लैंग्वेज का पोर्स बात करें इंग्लिश का पेपर है, तो आप किस लैंग्वेज, मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होगा आपका, इंग्लिश होगा, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश फिल करना होगा। कोड नंबर, कोड नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे आएगा, कोड नंबर जो ऊपर लिखा होगा सीरीज ऑफ कोड नंबर, वो कोड नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। आपकी जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट होगा, सेट नंबर यहाँ पे इसको सर्कल करना होगा, जो डॉट देख रहे हैं आप, वन डॉट वन सर्कल है, टू सर्कल, थ्री फोर, यानी कि इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर का जो सेट नंबर होगा वो सेट, जैसे आपका सेट नंबर वन, तो सेट नंबर वन को आपको क्या कर देना होगा, सर्कल कर देना होगा इस तरीके से, ओके, एंड रेस्ट ऑफ द जो सर्कल्स हैं उसको ब्लैंक छोड़ देना होगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम में क्या करना हो, क्या आपने कोई सप्लीमेंट्री कॉपी ली है, कोई बी कॉपी आपने ली है, अगर ली होगी तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे इसको नील लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे नील, देखिए मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए कैंडिडेट कैसे नील लिखते कैसे वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल परेशान होती है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कैसे कॉपी चेक होने के लिए जाती है ये सब कुछ मैं भी दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए अब फिर उसके बाद पर्सनल डिसेबिलिटी, जो कैंडिडेट डिसेबल होंगे वो यहाँ पे यस या नो फिलअप करेंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, अदरवाइज नो को यहाँ पे नो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी, अब चलते हैं हम लोग राइट साइड, देखिए राइट साइड जो लेफ्ट साइड होता है सिर्फ आपको यही सारी डेटा बस फिल करनी, डिटेल फिल करनी रहती है, बट वहीं पे बात करते हैं राइट साइड, राइट साइड में क्या फिल करना होता है, सॉरी देखिए राइट साइड अगर हम बात करें तो राइट साइड में सबसे पहले आपको जो फिल करना है वो है आपका, देखिए सबसे पहले आपको ये बात करते हैं, ये देखिए कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, आपके नेम कैपिटल यानी कि ब्लॉक लेटर्स में, किस लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में आप सभी के नेम देखिए लिखा होगा, नेम ऑफ नेम इन कैपिटल लेटर, किसमें नेम लिखना है आपको, ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में आपको नेम लिखना है, जैसे और अगर गैप आपको दूसरा अगर वर्ड है आपका, जैसे आपका आकाश सिंह है, तो आप आकाश और एक ब्लॉक को छोड़ देंगे और दूसरे में सिंह लिख देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से वन गैप भी आपको छोड़ने होंगे अगर आपका ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है तो, ठीक है, जैसे आपको नेम में डिफ्रेंशिएट हो पाए वर्ड्स में, ओके। और फिर उसके बाद ये जो आपको देख रहे हो एमआर सीट जैसे, इसको सारे को आपका जैसे ए आपका पहला आया होगा तो ए वाले सर्कल करना होगा, ए एन आया होगा तो एन वाले को करना होगा, इस तरीके से आपको सर्कल सभी के अलग अलग करने होंगे, ध्यान से करिएगा, मिस्टेक नहीं करना, नो मिस्टेक, जी हाँ कोई भी मिस्टेक कमिट नहीं करनी है, ओके माय डियर फ्रेंड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट कॉलम है आप सभी का यहाँ पे साइड में रोल नंबर का, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा, आपके क्वेश्चन पेपर पर सॉरी आपके एडमिट कार्ड जो आपको दिया गया उसमें एडमिट कार्ड पर रोल नंबर लिखा होगा, और यहाँ पे सभी को सर्कल करना होगा जो आपके नंबर्स होंगे हर में डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स, ओके। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कोड, जो आपका सब्जेक्ट का कोड होगा वो यहाँ पे फिलअप करना होगा, एडमिट कार्ड में मेंशन है ये, और ये सेंटर नंबर आपका जो एग्जामिनेशन जिस सेंटर पे पड़ा है उस सेंटर का नंबर, ये सेंटर का नंबर वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे वही बता सकते हैं, या फिर आपके एडमिट कार्ड पे ये भी चीज़ें डिटेल में मेंशन है, तो आप जाकर चेक कर लीजिए, अभी जाइए अभी जाकर आप देख लीजिए आपके एडमिट कार्ड पे ये चीज़ें मेंशन है कि नहीं है, नहीं तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आप जब भी एग्जामिनेशन में अपीयर होगे तो वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर आपको ये चीज़ें डिटेल बता देंगे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं, देखिए बस हमको इतना ही फिलअप करना था, लास्ट में फिर से यहाँ पे विशेष सब्जेक्ट का नेम आपको डालना है जो सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहा हूँ, और ये एज़ पर स्कूल का नंबर एज़ पर एडमिट कार्ड यहाँ पे मेंशन करना होगा, और अब आप इसके बाद अब ये रोल नंबर आपको लिखने होंगे इन फिगर्स में, किस सॉरी वर्ड्स में आपको लिखने, फिगर्स में आपका जो रोल नंबर जब आप ऊपर फिलअप करोगे साइड में यहाँ पे, तो यहाँ पे किस में लिखना है वर्ड्स में, एंड यहाँ पे फादर्स एंड गार्जियन नेम, गार्जियन और फादर्स का नेम इस कॉलम में फिलअप करना है, और देन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट को यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में क्या करना है, सिग्नेचर कर देना, ओके दैट्स इट, आपका काम हो गया, और उसके बाद और आपको कुछ भी नहीं टच करना है, जी हाँ, और यहाँ पे प्लीज़ री इन्विजिलेटर यहाँ पे साइन कर देंगे साइट में, और दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा पहले पेज का, जब भी कॉपी जाएगी आंसर शीट जब आप पूरा फिलअप कर लो, पूरा फिलअप हो जाएगा, उसके बाद जब आप जब आपको अलाउ किया जाएगा आंसर शीट को ओपन करने का, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से बैंड लगा होगा, उस बैंड को आपको रिमूव करना होगा, देन शीट ओपन होगी फुल आपके अंदर की पेजेस, और ये आपको ओपन कर पाओगे जब एग्जामिनर आप जो क्लास में जो एग्जामिनर होंगे आपके इन्विजिलेटर वो आपको अलाउ करेंगे, टाइम बताएंगे उसी के टाइम के अकॉर्डिंग, ओके। तो अब हम मूव करते हैं, और जब ये कॉपी चेक करने के लिए जाएगी तब मैं अब बताता हूँ ये कॉपी का क्या पेज बचा रहेगा
और क्या चीज़ रिमूव कर दिया जाए। तो आप देख रहे हो ये जो सीजर की जो लाइन बनी हुई है सीजर का, तो इससे ये इतना शीट को यहाँ से टर्न आउट कर दिया जाएगा, ये राइट साइड वाली जो शीट है इसको रिमूव कर दिया, क्या कर दिया जाएगा, राइट वाली शीट को रिमूव हो जाएगा और जो लेफ्ट साइड जो है वो रुका, लेफ्ट साइड जो है इसी तरीके से रहेगा, ठीक है, स्टिक रहेगा। देखिए यहाँ पे ये थ्रेड से सिल दिया जाएगा तो सिला रहता है, बट ये साइड रिमूव हो जाती है राइट साइड। ओके चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए इस पेज को देखिए, देखिए माय डियर फ्रेंड आप देख सकते हो, ये देखिए किस तरीके से आप ये देखिए, ये आप जो एग्जामिनेशन था इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर जो भी आपका था, सब्जेक्ट कोड आपने यहाँ पे लिखा, डेट किस दिन, डे एंड डेट किस दिन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराएगा, आपका किस मीडियम में आप पेपर को फिल करना चाहते हो उसमें फिलअप कर देना है, कोड नंबर जो है आपका, सेट नंबर जो है आपको फिल करना है, नील आपने कोई भी सप्लीमेंट्री कॉपी आपने ले रखी है, नो, ये देखिए जो रेस्ट ऑफ पेज जैसे मैंने बताया आपको जो राइट साइड रहेगा, अब ये साइड जो है ब्लैंक रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि क्योंकि इस पेज को रिमूव कर दिया गया। और फिर उसके बाद ये आपकी कॉपी चेक करने के लिए एग्जामिनर के पास चली जाएगी और देन एग्जामिनर आपके एग्जाम कॉपी को जो चेक करने वाले एग्जामिनर होंगे, आपके सब्जेक्ट एग्जामिनेशन अब जो आप लिखने के बाद इस कॉपी को चेक किया जाए। देखिए कुछ इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स दिए जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या प्रॉपर वे है आपके आंसर करने का फर्स्ट पेज का। आई होप सो जब आप चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आप अच्छे तरीके से मेंशन कर दोगे। फ्रेंड आप सभी फर्स्ट टाइम कल इंग्लिश के एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हो, उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। सभी कैंडिडेट एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले एक मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई है, सैम्पल पेपर जो आप सभी को लगाकर जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश एग्जामिनेशन को लेकर, तो इसकी मैंने एक वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने अवेलेबल करा दिया, आप जाकर आप चेक कर सकते हैं। आंसर्स कैसे आपको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं मैंने बता भी दिया इसकी वीडियो, क्या क्या की पॉइंट्स है इसको अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आप अच्छे से पेपर को आप क्रैक कर दोगे, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और साथ साथ आंसर को कैसे लिखने से पहले जो फर्स्ट पेज आपको जो व्यू मैंने करा दिया किस तरीके से आपको दिखेगा और किस तरीके से उसको पूरे ब्लैंक्स को फिलअप करना है, आप टाइम को यहाँ से सेव कर सकते हो, जल्दी से जल्दी उसको फिलअप कर लीजिएगा पहले पेज को, और रेस्ट ऑफ द टाइम जब आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर को आप रीड कर सकते हो। इन टाइम्स में आपको टाइम को इधर उधर नहीं वेस्ट करना है, आप फोकस रहिएगा, जस्ट फोकस ऑन योर गोल कि आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो फिर फोकस रहिएगा। कोई अगर आपको डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है, कमेंट कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, आप सभी को सारे डाउट्स सॉल्व करा दिए जाएंगे। साथ साथ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर अपने चैनल अभी अपडेट पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी हम लाने वाले हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आप सबके एग्जामिनेशन से कल से पहले, ठीक है फ्रेंड। साथ साथ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।